आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है और बहुत कम्फर्ट जोन है मेरा, हमेशा ही करते आ रहा हूँ। तो एक ये कह सकते कि एक दूसरा पड़ाव है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी आई किसी भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वेरी एक्साइटेड। इंडस्ट्री का तो नहीं पता लेकिन आप कोशिश ये रहेगी कि अच्छा म्यूजिक आप तक आप सब तक पहुंचा सकें और यही कोशिश है। बहुत मतलब आपको मैं बता दूं कि हम लोग ये जितना आप देख रहे हैं अभी इसकी तैयारी हम लोग मार्च से कर रहे हैं और मार्च से यू नो चलता जा रहा है गाने। अभी तो हम लोग ने 4 गाने रिलीज़ किए हैं, हम लोग 6 महीने तक रेडी हैं, 6 महीने तक हम लोग कंटेंट रेडी मतलब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, सब कुछ रेडी है। तो इसमें काफ़ी कुछ यही था कि यार यहाँ पे सिर्फ ऐसा जॉब नहीं था कि सिर्फ मुझे गाने बनाने, बहुत कुछ देखना था एक ही वक्त पे एक ही टाइम पे। तो उसी में बिजी था यार, काम करता जा रहा था और घबरा भी रहा था क्योंकि यू नो प्रोडक्शन पे आना एज ए प्रोड्यूसर आना वो एक नई बात थी, बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग ने किया। मुझे ऐसा लगता है देखिए गलतियां सबसे होती हैं लेकिन गलती कर करके ही आदमी सीखता है और मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा इस दौरान पे, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। ये सुझाव एक्चुअली जो मेरे साथ हैं ये सुझाव उनका था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मिस्ड मतलब क्या रीज़न है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गाने ही जब सुनते तो वो मिस्ड फील आता है तो मिस्ड म्यूज़िक रखते हैं। अच्छा जैसे आपने कहा कि आपके गाने सुनते ही एक वैसे मिस्ड की फीलिंग आती है बहुत, मैं अपनी ज़ुबान को बहुत मिश्री तुम हर गाने के यू नो कहीं नज़र आते हैं आप, मैं देखूँ कहीं पर भी नहीं है, क्या वजह रही कि आप खुद नज़र नहीं आए कवर पे कहीं पर भी नहीं देखा? हाँ आई थिंक नज़र इसमें ऑफकोर्स मैं नहीं आया हूँ, ये जॉनर भी अलग है, आप अगर देखें तो ये पार्टी सॉन्ग है सब। ये डिसीजन मिला जुला डिसीजन था कि मुझे कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है, तो आई थिंक इसमें मैं ही नहीं गया, मुझे लगा यार बाद में आऊँगा थोड़ा मैं अपने आप को और पतला वतला कर लूँ, कोशिश जारी है उसके बाद मैं आऊँगा। इससे पहले तो बहुत दिन आप बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं आप और नजर आए बड़े स्टार के साथ आप जीते हैं, तो फिटनेस पे ध्यान दिया जा रहा है? फिटनेस पे ध्यान तो है ऑलरेडी चल रहा है लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ तो चीज़ें यू नो बहुत चीज़ें हाथ में नहीं है, बट दिसंबर ख़त्म होते होते थोड़ी ट्रैवलिंग कम होगी मैं और मैं मुंबई में रहूँगा। फिटनेस पर ध्यान है और ज़्यादा ध्यान देना है ताकि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो मैं और जितना खूबसूरत कर सकता हूँ जितना और डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ मैं वैसा क्यों ना करूँ, तो अभी वो हो गया मतलब जो किया था वो हो गया, अभी मैं और यू नो चीज़ों को और अच्छे से ख्याल रखूँगा। सर एक सेकंड। हेलो सर, अंशु मिश्रा इनकी वाइफ है, भाभी है हमारी, तो इन्होंने यू नो अपनी वाइफ के नाम पे सब कुछ करने की कोशिश की। सेंटेंस गलत है। नहीं नहीं, इन्होंने मेरे साथ नहीं शुरू किया था भाई, मैंने इनके साथ शुरू किया था। आप सोच सकते हो म्यूजिक में कोई अंकित तिवारी किसी के साथ शुरू करेगा क्या? नहीं, नहीं। मैंने अंकित तिवारी के साथ शुरू किया, साथ में शुरू किया है और नहीं नहीं टचवुड बहुत अच्छा हम। सो नाइस ऑफ यू, लेकिन भाई मुझे मौका मिला म्यूजिक समझने का आपके साथ, आप मेरे साथ शुरू करोगे महाराज? क्या बात करते हैं, थैंक यू डन, थैंक्स। पे काम करेंगे, गानों पे काम करेंगे, म्यूजिक पे काम करेंगे, अच्छा कॉन्टेंट पे काम करेंगे। मैम
शाय है थोड़ी सी। अरे बस सर रुक गया रौनक के। अभिषेक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है जब मैं आपका नाम और आपके पति देखते हैं कपड़े सपोर्टिव हैं कहीं कोने पर खड़े हैं। एग्जैक्टली ये कैसे हुआ ये पूरी जर्नी शुरुआत कैसे हुई और खास करके संगीत से जुड़ना एक लेवल लेके आना ये अपने आप और दैट टू भी अंकित हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। आप इस फील्ड में उतरना आप दोनों से जानना चाहूँगा मनीष ने मुझे इंस्पायर किया। एक्चुअली आप हमेशा ना लाइफ में उसी चीज़ पे खेलते हैं जो आपके एसेट हो। अंकित भाई हमेशा से मेरे लिए भाई जैसे हैं और वो मेरे लिए हमेशा पर्सनल लेवल पे भी एक एसेट रहे हैं तो उसी एसेट के ऊपर खेलना था। तो जब कुछ प्रोफेशनली कुछ नया करने का मन था तो अंकित भाई हमेशा साथ खड़े थे। हम लोग कुछ मूवीज़ भी साथ में कर रहे हैं और उसके बाद जब आगे बढ़े तो हम लोगों ने फिर एक म्यूज़िक चैनल का सोचा। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि इस पूरे वेंचर को लेके जो सपोर्ट अंकित भाई का रहा है ना तो क्रेडिट्स बिना सब अंकित भाई को जाते हैं। हम लोगों को इंस्पायर किया एक्चुअली अंकित भाई ने अंकित भाई के म्यूज़िक ने कि हाँ बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और जिसको इंजॉय हम बचपन से करते आए हैं। जब हम लोगों की शादी हुए कुछ ही साल हुए थे तब से अंकित भाई के गाने सुनते हैं तो अब अंकित भाई के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो छोड़ना पसंद नहीं किया इसीलिए समझ लीजिए कि मिस म्यूजिक खड़ा। अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे आपकी कितनी यादें दादा होते हैं सर ने कहा कि तो शादी ही थी आज आप उनके साथ हैं उनका पार्टनर हैं उनका प्रोड्यूसर हैं की बात है बोलिए टेक योर टाइम। एक्चुअली मनीष थोड़े रोमांटिक टाइप हैं तो म्यूजिक और ये सब इनकी चॉइस है और अंकित भैया का सपोर्ट मिला हम लोगों को और बस चीज़ें होती चली गई ऊपर वाले की इच्छा थी और सब चीज़ें इजीली होती चली गई। एक्चुअली क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऑडियंस से जो ऑडियंस सबको क्योंकि सब कुछ आउट है ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? देखिए ऑडियंस को मैं कोई मैसेज दूँ इसका कि मतलब ही नहीं बस एक रिक्वेस्ट है जितना प्यार आपने अंकित भाई को म्यूज़िक को रोमांटिक गानों को इस हिंदी के प्यार भरे म्यूज़िक को दिया है ना उतना ही कंटिन्यू रखिएगा बस इतना काफ़ी है। क्योंकि इसके बाद मेरा प्रॉमिस है ऑन बिहाफ ऑफ मिस म्यूज़िक कि जो हमारी डिलीवरी होगी ना वो इतनी शानदार ज़रूर होगी कि आप लोग इन्जॉय कर पाएँ। बस इतना प्यार जितना प्यार आज तक बनाए रखा है उतना ही प्यार आगे बनाए रखिएगा म्यूज़िक पे भी अंकित पे भी और बाकी सब चीज़ों पे। डिलीवरी की गारंटी हमारी है कि आप हर एक गाने के साथ हर एक नए ऑडियो के साथ हर एक नए वीडियो के साथ मजबूर हो जाएंगे उसी चीज़ को 10 बार 20 बार 50 बार सुनने के लिए। I had to come here, no? It was like definitely, you can see the poster, missed me, so I had to be here. आप लोगों ने गाना सुना नहीं सुना वैसे तो? यार कैसा एक्सपीरियंस रहा करे? सी गाना बहुत अच्छा है बहुत ही ज़्यादा डांस वाला है एंड मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था प्रिंस के साथ में मैंने शूट किया था एंड ऑफकोर्स इशिता। सो ओवरऑल आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए आप लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा बट मुझे तो पसंद आया डेफिनेटली। हाँ जी हाँ जी सी अंकित तिवारी इज ऑलरेडी अ बिग नेम इज़ अ ह्यूज नेम एनी विच वेज इन द मार्केट एंड सभी उनके इतने फैंस हैं और उन्होंने अब म्यूज़िक लेबल किया है तो आई थिंक बनता है उनका बिकॉज म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा करा है फिर म्यूजिक का एक लेबल लेके आए तो आई एम श्योर जैसे सिंगिंग में झंडे गाड़े वैसे यहाँ भी झंडे गाड़ेंगे। मेरे लिए क्या चैलेंजिंग था आई थिंक मैं डांस में अच्छा हूँ तो मुझे इतना चैलेंजिंग लगा नहीं क्योंकि डांस मुझे आता है और डांसिंग सॉन्ग था सो इतना चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए। थैंक यू गाइस। बहुत अच्छा है म्यूजिक के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर एंड आई हैव कम हियर फॉर अ फ्रेंड तो टू विश हिम द बेस्ट एंड एक अच्छा इनिशिएटिव है तो आई जस्ट होप कि सक्सीड करे एंड वी विल बी डूइंग समथिंग वेरी वेरी शॉर्टली
which will be again something which will be path breaking out of the world. So, and I know he's a very passionate maker, so let's hope we come, something nice comes out of it. And काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है टू लॉन्च म्यूजिक लेबल, सो आई एम हियर टू विश हिम द बेस्ट. सेम है. बताइए क्या कहना चाहेंगे. हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ मनीष भाई को और मिस म्यूजिक की पूरी टीम को, अंकित को, और अच्छे अच्छे गाने ले आए, हम लोग सुनना चाहते हैं. अच्छे अच्छे गाने, बिल्कुल अच्छे अच्छे गाने. तारीफ, सिर्फ तारीफ करनी है मेरी तारीफ. मैं अंकित को ही पकड़ लेता हूं. क्या अलग कर रहा है, आपको लगता है कि हां ये चीज जुदा कर दी है? सी एज अ सिंगर ही इज फैंटास्टिक, आई नो अबाउट इट. बिल्कुल, आवाज ही अलग है, आवाज ही अलग है, जुदा करता है. हां, एज अ ह्यूमन बीन क्या अलग, इंसान मतलब आपको क्या लग रहा है? मुझसे क्यों सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं? ही इज वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन. थैंक्स यार, थैंक यू. अब मुझे लगता है जो चीज जब शुरू हो वही सही है, तो ये आज का दिन और ये घड़ी ये शुभ है, ये मान के यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सुनने को मिलेगा. अच्छा अच्छा है ना. 100% यार, 100% सुनने को मिलेगा. थैंक यू. कोशिश तो हमारी यही रहेगी, बट थैंक यू सो मच. थैंक्स. I think it's huge. I mean, it's always a great opportunity to work, and this song particularly was so much fun to do. हमने शूट एक दिन में किया था इन चंडीगढ़, एंड everyone on set actually had fun. So it wasn't like work. We were actually having fun, and the song is so like peppy, and it's so it's a loop पे सुन सकते हो. So it was a fun experience. Oh, definitely. But I mean, we have all huge names. Ankit Tiwari is a huge name, so it's not like a start. But Mint Music is going to do amazingly well, so I'm hoping the best for them. Sorry? I think the most challenging part for me was that I was shooting ek din pehle also for another music video with them. So I flew down the same day in the morning, then shot the entire day, and then took a flight and came back. और मैं इतने हेक्टिक उसमें थी, ऐसे भाग दौड़ में, बट आई डेंट फील इट फॉर इवन अ सेकेंड कि ओ शिट बहुत प्रेशर है काम का. बट दे मेड मी फील रियली रिलैक्स, एंड लाइक द होल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू वाज द बेस्ट. थैंक यू. Good. Hi, huh? Thank you so much. Sorry, I can't see you all from like itni zor se light hai, but thank you. मैं बहुत खुश हूँ अंकित के लिए. अंकित वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर तो है ही है, बट अभी रिसेंटली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं. और बहुत खुशी होती है आपको जब आपका कोई दोस्त एक इंडस्ट्री में इस मुकाम पे पहुँचते हैं. बहुत टैलेंटेड तो है ही एज ए सिंगर, बट आज इनकी खुद की एक अपनी कंपनी है जहाँ पर ये बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ बनाएंगे और बहुत सारा लोगों को एंटरटेन करेंगे. तो मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए. स्पेशली आप जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाती नहीं हूँ, बट इनके लिए मुझे आना ही था. खींच के मैंने बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ, बाकी एक्सक्यूजेस बाद में. अंकित बताएगा. एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ, आज जब मेरी क्षमा से बात हो रही थी तो इस टॉपिक पे बात की हमने ऑलरेडी. इस टॉपिक पे बात की हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा है और क्षमा कितने बजे आ रही है, वो क्या टाइमिंग है तुम्हारी, वो सब बातें कर रहे थे. फिर अचानक से बात छिड़ी कि यार हम लोग को साथ में करना चाहिए ना, अच्छा गाना करना चाहिए, और यू नो विल प्लान, वी शुड मीट फर्स्ट एंड विल प्लान वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपने क्या बोलते हैं उसको, सोच हम रहे थे, आपने और पुश कर दिया उसको. तो अभी तो आई थिंक हो जाए. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. शमा है सुहाना, समय समय नशे में जहाँ है, नशा जो नशा हो गया तुम्हें, मतलब ठीक है. जब मैं इनकी बात करता हूँ, फैशन आइकॉन है, लोग इंस्पायर होते हैं, एक बहुत बड़े नंबर्स की फैन हो
जी 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 आई थिंक शमा दादा मैं आ रहा हूँ अब भी आता हूँ आई थिंक शमा के साथ अगर मुझे अगर नहीं मतलब जब भी मैं करूँगा तो इनकी चॉइस मुझे नहीं पता है ये क्या सोच रही हैं मैं सोचूंगा कि कुछ अच्छा रोमांटिक गाना हो और मीनिंगफुल गाना हो थॉटफुल गाना हो तो वो इनके साथ किया जाए तो उसमें मतलब इम्पैक्ट आएगा उसमें ज़्यादा सबको अच्छा लगेगा इनके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा इतने अच्छे इमोशनल सिंगर हैं लाइक आपका वो गाना सुन रहा है ना तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है आज भी जब उसका पहला सुर छिड़ता है तो मतलब यहाँ तक महसूस होता है तो वैसा कोई गाना अगर वो करेंगे तो मैं डेफिनेटली मतलब अभी लोगों को टारगेट रख दिया मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया मुझे नहीं पता वो कैसा होगा अच्छा ही होगा यार तुम बनाओगे तो दिल से बनाऊंगा ऑफ कोर्स दिल से ही बनाएगा तो ऐसी बात जो दिल से बनती है वो फिर लोगों के दिलों तक जाती है यू नो थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कॉम्प्लीमेंट्स बाय द वे थैंक यू आई थिंक इफ यू हैव अ प्रोड्यूसर लाइक हर Anybody wants to associate with her. It's like it is a wonderful experience working with her and the team. So I'm definitely looking forward to work with them again. Thank you, Ishtam. Yeah. Like it is a you know a very big opportunity for you like performing with Ankit Tiwari as a label and Anshu Mishra as a label. So yeah, it's a very good opportunity. And Shashi Suman as a singer, of course. Thank you. नमस्कार मैं जीत गांगुली हूँ और अंकित मेरा भाई ऐसे ही है हम लोग एक साथ काम किया आशिकी 2 में और आज सबसे बड़ी खुशी की दिन है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है वो आगे बढ़ रहा है नॉन फिल्म म्यूज़िक म्यूज़िक हम लोग फिल्मों में म्यूज़िक देता है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक नॉन फिल्म म्यूज़िक भी एक अच्छा मौका आ रहा है सबके लिए आर्टिस्ट के लिए और नए नए कलाकार के लिए बहुत ही अच्छा है तो आज मिस्ट म्यूज़िक को मैं बधाई देना चाहता हूँ अंकित को बधाई देना चाहता हूँ डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड कंपोज़र एंड सिंगर और अच्छा अच्छा कलाकार आएंगे यहाँ काम करेंगे शायद मैं भी करूँगा अंकित के साथ गाना तो बस यही है बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सॉरी थैंक यू जी हाँ सबसे पहले मेरे ही गाना है सबसे पहला तो नागिन वाला स्टेप तो बहुत अच्छा गाना है बहुत ही ट्रेंडी है एंड न्यू ईयर भी सामने आ रहा है क्रिसमस पार्टीज होने वाली हैं तो आई एम श्योर सारी पार्टीज़ में ये गाना बहुत धमाल करने वाला है एंड नागिन वाला डांस तो हमारा एक फेवरेट होता है किसी भी शादी हो या कोई भी इवेंट हो एक नागिन वाला डांस ज़रूर होता ही है सो आई गेस दिस सॉन्ग इज़ गोना रॉक इस गाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्ट म्यूज़िक की बात करना चाहूँगा इट्स अ न्यू लेबल एंड जो अंशु जी एंड मनीष जी ने स्टार्ट किया है अंकित तिवारी इज ऑल्सो देयर अंकित और मैंने पहले भी एक गाना किया हुआ है मुसाफिर साथ में दिस इज़ आर सेकंड सॉन्ग सेकंड कोलैबोरेशन टुगेदर एंड इट्स अ न्यू लेबल एक न्यू एनर्जी है एक न्यू आप देख सकते हैं चारों गाने नए लॉन्च हुए हैं एंड फर्स्ट मैं अपने गाने की बात करूँगा नागिन वाला स्टेप सो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा हिट हो गाना और लोगों को बहुत पसंद आए तो हमने अपनी ड्यूटी कर लिया बाकी आपकी ड्यूटी है देखना जी हाँ नागिन वाला स्टेप भी है अगर आपने गाना देखा होगा तो उसमें एक बीन भी है मेरे हाथ में सो काफ़ी इंजॉय किया है और जैसे मैंने बताया हर इवेंट पे खासकर जब आप सबके दो तीन हो जाते हैं उसके बाद सभी नागिन डांस करना शुरू कर देते हैं सो उसी के बेस पे है गाना काफ़ी फन गाना है एंड आई एम देयर एंड अवीरा इज़ देयर तो अच्छी रिपोर्ट आ रही है अभी तक अंकित ऑब्वियसली कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है अंकित के सारे ही गाने बहुत हिट हैं और मैं पर्सनली भी उनके गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं और अंकित ने कुछ महीनों पहले एक और गाना किया था मुसाफिर वो भी हमारा काफ़ी हिट हुआ था गाना अब इस और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैंने अंकित को पार्टी नंबर्स गाते हुए सुना एंड ये आई गेस दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट एंड जो भी अंकित तिवारी फ़ैन है उन सबको अच्छा लगेगा गाना सुनना
कुछ अपील करना चाहेंगे दर्शकों से ये गाना? लोगों को बोलना चाहूँगा जिसने नहीं देखा है प्लीज़ गाना देखिए नागिन वाला स्टेप मेरा जाके, इट्स ऑन यूट्यूब ऑन मिस्ड म्यूजिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है और अभी वो एक नया वर्टिकल शुरू कर रहे हैं, अपना म्यूज़िक लेबल शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही एक पैशन से काम लेंगे और मुझे लगता है कि और बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स अंकित से सुनना बाकी है, तो हम उनको बधाई देना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही अपने संगीत के साथ और अपने पैशन के साथ बढ़ते जाओ और खूब प्यार पाओ आवाम से, तो बस यही कह सकता हूँ. आप मैं सुन नहीं सकता हूँ भाई, वो मेरा जूनियर है, मैं उनके गाने काफ़ी सुन चुका हूँ और बहुत मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही सुपर वॉइस और बहुत ही एक अच्छे एक आवाज़ है, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो जोश से काम ले और सुपर हिट गाने सबके लिए बनाए, आप भी एंजॉय करें हम भी एंजॉय करें. आपको पता लगेगा फरवरी मार्च, तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मनीष. अंशु इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं भी उनके गाने में नज़र आऊँगी. आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड. उन्होंने कितने सारे आइकॉनिक गाने गाए हुए हैं. आई रियली लाइक हिज सॉन्ग, एंजॉय हिज सॉन्ग, ही हैज़ हिज डिफरेंट वॉइस. या आई एम वेरी हैप्पी. ऑफकोर्स एग्जैक्टली. और सी फिल्म हो, सीरियल हो, टेलीविजन हो, विदाउट म्यूजिक इट्स इनकम्प्लीट. आई थिंक सो. एंड इट्स अ ग्रेट डिसीजन मेड बाय हिम. ओह माय गॉड. हाउ आर यू? हाँ तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, वो फिल्म्स हो या टेलीविज़न हो उसके लिए. एंड अ पर्सन लाइक हिम, अ वॉइस लाइक हिम, इट्स लाइक अमेजिंग. आई एम वेरी हैप्पी कि उनका एक नया लेबल शुरू हो रहा है. रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सॉन्ग्स. अभी देखते हैं कैसे होता है आगे. ऑफकोर्स आई वुड लव टू डू. देखते हैं अभी आगे. Thank you. I'm going to be very honest and I've come here for a very selfish motive. Ankit's music, Ankit is of course one of I'm sure all of us in our playlist have Ankit Tiwari songs in it. And me and Ankit have done a very special song, Ae Dil Ye Theek Nahi, which is going to be out on the 1st of Jan. And today the teaser will be launched and I'm so excited because the avatar that I am in, the audience has never seen me in that avatar, so I'm really excited and that's... Oh hi! Our director is here, please come here. Siddhant, come! So you know, I was so scared, I was petrified jab mujhe ye role samjhaya gaya tha and ye part bataya gaya tha, but he gave me so much of confidence. She's done a beautiful job here. ऐसी बोल रही है, कोई इमेज चेंज नहीं है. She was always meant for it and she skilled it. You'll watch the teaser. Thank you. No, I was scared. I was actually scared. Thank you. No, but I think his vision, his confidence and belief really instilled that kind of
I think faith in me, and that's why I'm here. So yeah, and I'm wishing Ankit the very best. He's a very good singer. He deserves the best. So yeah, and all the songs are beautiful, of course, having said that. So thank you. Yes, me and Ankit did a show together, Smart Jodi, and since then we've been very good friends. और मैं उसे आज support करने आया हूँ और पल्लवी ने गाना भी गाया है और गाने का नाम है नागिन वाला स्टेप, तो मुझे तो आना ही था. आई थिंक अंकित इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन आर कंट्री. बहुत ही सिंपल, माई फेवरेट, पता नहीं क्या बोल रहा था, बट ये मेरा दिल है, मेरा भाई है, आई लव इट. मैं यही बोल रहा था कि इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री एंड why not, yeah? I mean, ये खुद का म्यूजिक लेबल लाएगा तो पूरी जी जान डालेगा and he sings such songs with so much depth. And मुझे लगता है कि ये अंकित के लिए एक ऐसा change होने वाला है जहाँ वो कई सारे ऐसे गाने गाएगा जो शायद उसके comfort zone से बाहर है और जो वो गाना चाहता है. And he is such a versatile singer, जो मैंने सुना है, हम कई बार बैठे हैं sessions के, तो I'm sure कि लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है and his music label is going to rock. Thank you. Full power. Thank you. Well, अंकित से मेरा बहुत इमोशनल रिश्ता है. यू नो, हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि अंकित इतना पहाड़ी एनिमल नहीं है. सो जब उन्होंने जब मेरा उनसे बहुत जमाई रोज़ बात करना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ही हैज़ नेवर गॉन टू अ फैशन शो, तो मैंने उनको इन्वाइट किया, वो आए, उनको बहुत अच्छा लगा. I think he's a very talented, you know, singer, and I think Munisha will agree with that. आज उनका ये Miss Music company का launch है. I am wishing him all the best, and I think so. जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, उतनी ही खूबसूरत वो एज इंसान है. तो मैं चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी ऐसी blessings देते रहें, and he becomes like our India's more bigger star than bigger star. Yeah, and I want to wish him all the best for the new launch. He's a fabulous singer, बहुत ही talented है और हमारा अच्छा दोस्त है. So wishing him all the best. Yes. जी जी, गाना मैंने देखा है उनका, बहुत अच्छा गाना है. And I think so. देखिए, हर इंसान के अंदर talent होता है, you know. जब singers गाना गाते हैं तो वो, आई थिंक वो अपनी सोल को यू नो टेक आउट करते हैं. अंकित हैज पुट हिज हार्ट एंड सोल फॉर दिस सॉन्ग. बहुत इंजॉय किया. आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूटेस्ट स्टेप एंड आई थिंक सो. यस, ही इज टैलेंटेड. आई थिंक एवरीबॉडी नागिन दास ये करती है हमारे किडी ग्रुप में ये करती है नागिन दास और मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्लोज हो गए थे एंड इनका मिस्ड म्यूजिक लॉन्च है. इट्स वेरी 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 हैप्पी फॉर इट. जेन्युइनली वी आर वेटिंग टू मीट हिम. हम लोग बस अंदर जाके उनको मिलना चाह रहे हैं. बहुत बहुत बधाई है पहली बात तो. बहुत अच्छा दोस्त है हमारा. हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त है. काश हम लोग इसके साथ कोलैबोरेट कर पाते इस पर, लेकिन शायद अगली बार. बट यस, वी हैप्पी फॉर शिविन ऑल्सो. शिविन मेरा बहुत अच्छा, आई नो हिम वेरी वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो. जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक वी जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू अंकित एंड मिस म्यूजिक एंड एवरीबडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट. बट इतना ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जी हाँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे जितने भी गाने हैं, जितने भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अंकित पहली बार आए थे साथ में, हम लोगों ने सुन लेना तू किया था, फिर हमने गलियां किया, फिर अंकित का पहला सिंगल किया मैंने बदतमीज साथ में, दूसरा सिंगल किया तुम मर दफाओ. तो जब इस बार फोन आया अंकित, बोला अपना चैनल खोल रहा हूँ मैं, तो अभी हमारा टीजर आएगा. मैं कहा टेंशन मत लो, सबसे बड़ा गाना देंगे हम आपको. सो उनका गाना है ए दिल, जो डायरेक्ट किया है मैंने इस बार वापस. एंड उसके बीच में एक और गाना किया हमने जानिया नाम से, जो कि सुपर हिट हुआ है अभी. एंड अभी मैं यहाँ से जाते ही अंकित को पूछने वाला हूँ मेरी फिल्म के लिए गाने के लिए भी. संजय दत्त का एक फिल्म कर रहा हूँ, तो ऐसा है, लंबा रिलेशनशिप है. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्टार्ट है, क्योंकि अंकित जितना अच्छे तरीके से म्यूजिक को जानता है, जितने बड़े बड़े गाने उसने साल भर साल दिए, ऐसा नहीं कि एक दो है,
पूरी की पूरी लिस्ट है स्पॉटिफाई वगैरह पे आप देखो तो अंकित तिवारी से बेटर बंदा है नहीं म्यूजिक लेबल खोलने के लिए, बिकॉज उसको सिर्फ एक टाइप के गाने नहीं आते, वो दे दी भी बनाता है, सुन रहा है ना तो भी बनाता है. सो दैट्स द थिंग. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट मूव टू ओपन अ म्यूजिक चैनल. सर ए दिल एक इंटेंस रोमांटिक एक्शन सॉन्ग है, तो उस वीडियो में आपको अंकित तिवारी एक्शन करते हुए मिलेंगे और मतलब के 5-6 लोगों को पीटते हुए मिलेंगे, प्लस एम्स्टरडैम किस्म की एक शूटिंग हम लोगों ने करी है. पूजा चोपड़ा भी है गाने में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. सो एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना है. तो आई थिंक आई होप लोगों को पसंद आया, सुपर हिट हो. थैंक यू. So I'm very happy to see this 4 songs coming together. So looking forward for it, and I want to wish them all the very best, and may their song also go hit and they do success. Thank you.